संडास दिखाता हूँ। महीने भर पहले, अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे योगी की सरकार। बस क्या करें, हमारे साथ बहुत ऊंची पार्टी है, हम गरीब लोग हैं, भाजपा वाले हैं। हाँ अरे आप तो सपोर्टर हो बीजेपी के, फिर भी इन्होंने हमें निकाले डंडे के जोर पे भी। अच्छा जी। हाँ जी। पुलिस के पास नहीं गए तो उन्होंने तो निकाल दिया, उनके जरिए तो उन्होंने पैसा वर्क जैसे भी। अब ये क्या बात करता है यार, धोखाधड़ी से तो निकाल। अत्याचार हुआ आपके साथ। हाँ जी। तब भी खुश हो? खुश कहाँ है, अपना वो निकल के अब तो इन्होंने यहाँ पे इनका किया तो इन्होंने हमें थोड़ा बहुत दिन को लगाने को दे दिया। चूतिया बनाया तुमको। अब तो आपका तो बहुत बड़ा दिल है, आप तब भी मोदी जी के प्रशंसक। हाँ जी बिल्कुल जी। अब की बार 400 पार। तेजस्वी लोग जितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों अंधभक्तों तो ऐसा जो हर तरह की परेशानी आने के बाद भी वो मोदी जी के साथ है। दबंगों द्वारा उसकी दुकान छीन ली जाती है फिर भी उसके मुंह से एक ही नारा निकला, अब की बार 400 पार। दोस्तों ऐसी भक्ति हमने आज तक नहीं देखी। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल भक्त का कहना है कि उसके बाप दादा के जमाने से उसकी चाय की दुकान चली आ रही है, मगर कुछ दिन पहले दबंगों द्वारा उसकी दुकान छीन ली जाती है। दोस्तों उसके मुताबिक जिन्होंने उसकी दुकान को छीना वो भी बीजेपी सपोर्टर थे। दोस्तों भक्त के मुताबिक वो दुकान से रोड पर आ गया मगर वो वोट मोदी जी को ही देगा। फिलहाल दोस्तों इस भक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देख अब सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, दिलचस्प बातचीत, हमें दुकान से निकाल दिया गया डंडे के जोर से, 60 साल से हमारी चाय की दुकान थी, अब सड़क पे आ गए हम, पर वोट मोदी जी को ही दूंगा, मेरठ से रिपोर्ट। वहीं एक और यूजर ने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा इनके पास चप्पल भी नहीं होगा और ये नंगे पैर मोदी जी को वोट देने जाएंगे। वहीं एक और यूजर ने कहा, अब की बार ये गंदे नाले में जाएगा, बेवकूफ बना बना कर देश की संपत्ति लूट ली, ऐसे अंधभक्तों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसकी किडनी भी निकल जाए ये मोदी जी को ही वोट देगा। और लोग कहते हैं ईवीएम में खराबी है, गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों का दिमाग खराब है। फिलहाल दोस्तों ऐसे भक्त की बातों को देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ज्यादा ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।